तो दोस्तों हमारे पास पल्सर 150 आई हुई है, जिसमें एक प्रॉब्लम है कि इसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है और घट जाती है। जैसे कि देखो, ये हम अगर ये आरपीएम मीटर देखेंगे तो ये ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, और ये स्लो में बंद भी हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को जब हमने देखा, इसके अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो हमें पता चला कार्बोरेटर के अंदर जो मिक्सचर स्क्रू होता है वो इसका जाम हो चुका है, जिस वजह से इसकी सेटिंग जो है कार्बोरेटर की आउट है, और जिस वजह से ये बंद हो रही है। तो दोस्तों इस वाले मिक्सचर को हम चेंज करवाएंगे, नया डालेंगे, क्योंकि कार्बोरेटर इसका काफ़ी महंगा है, तो कम से कम पैसों में काम करेंगे इस बाइक के अंदर, तो उसके लिए कार्बोरेटर खोलना पड़ेगा। कार्बोरेटर खोलने के लिए हमें पैनलों को खोलना होगा और टंकी को भी खोलना होगा, फिर उसके बाद हम इसका कार्बोरेटर निकालेंगे, जिससे कि हम इसकी वीडियो भी बड़े आराम से बना सकें। तो दोस्तों टंकी निकालने के लिए फ्यूल मीटर का भी वायर निकालना है और पेट्रोल पाइप भी लगाना है, जो पेट्रोल टी पर लगा रहता है, उसके बाद ही टंकी निकलेगी। तो यहाँ फ्यूल मीटर का भी वायर निकाल देते हैं दोस्तों, और टंकी को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों कार्बोरेटर को हम खोलेंगे, उसके लिए हमने 8 नंबर का पाना ले लिया है। तो कार्बोरेटर को बाहर निकाल लेते हैं हम इन दोनों बोल्टों को खोलकर। दोस्तों वीडियो को यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं, जिससे कि वीडियो लंबा ना बने। तो दोस्तों ये जो स्क्रू देख रहे हैं आप, यही है मिक्सचर स्क्रू, इसी वजह से ये जो गाड़ी है वो स्पीड इसकी ऊपर नीचे आरपीएम बोल रहे थे, यानी कि स्पीड बढ़ रही थी और घट रही थी, और इसी के कारण ये स्लो में बंद भी हो जाती थी। तो दोस्तों इस स्क्रू को हम डालेंगे इसके अंदर, खराद वाले पे इस कार्बोरेटर को ले चलते हैं, वो इस स्क्रू को निकालेगा ड्रिल मशीन की मदद से। तो दोस्तों हम खराद वाले के पास आ चुके हैं, और खराद वाला जो है वो इस मिक्सचर स्क्रू को ड्रिल मशीन से काट के बाहर निकाल देगा, उसके बाद हम इसमें नया मिक्सचर स्क्रू डालेंगे, जो कि मार्केट में आराम से मिल जाता है। अगर आपकी गाड़ी में भी कार्बोरेटर में अगर ये स्क्रू जो है वो जाम हो गया हो, तो नया कार्बोरेटर डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस आपको जो है ये कार्बोरेटर खुलवाना है और खराद वाले के पास जाकर इसको निकलवाना है। और ऑटो पार्ट्स वालों पर ये मिक्सचर स्क्रू आसानी से मिल जाता है, वो स्क्रू इसके अंदर लगा देना है। तो दोस्तों ये जो है खराद वालों का काम होता है, वो खराद वाले ही इस स्क्रू को इस ड्रिल मशीन की मदद से उस स्क्रू को काट देते हैं, और उसका जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो फिर आसानी से निकल आता है। तो दोस्तों हमने इसमें से मिक्सचर स्क्रू को निकलवा दिया है खराद से। अब हम जो इसका टुकड़ा था वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये उस मिक्सचर स्क्रू का बचा हुआ टुकड़ा। तो दोस्तों अब हम इसमें ये नया मिक्सचर स्क्रू फिट करेंगे। तो दोस्तों मिक्सचर स्क्रू में पहले स्प्रिंग लगती है, उसके बाद लोहे का बार्सल लगता है, उसके बाद ये रबड़ का छल्ला लगता है, वो हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों पहले स्प्रिंग लगी हुई है, फिर उसके बाद लोहे का छल्ला, फिर उसके बाद जो है ये रबड़ का छल्ला। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, इस तरीके से जो है ये मिक्सचर कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद इस स्क्रू को जो है कार्बोरेटर के अंदर कस देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने लगा दिया इसके अंदर, और हम पेचकस की मदद से इसको कस देते हैं। तो इस कार्बोरेटर के अंदर जो कमी थी मिक्सचर स्क्रू की, जिसकी वजह से जो है आरपीएम नीचे ऊपर हो रहे थे, तो वो अब आरपीएम इसके ऊपर नीचे नहीं होंगे, वो हमें कार्बोरेटर फिट करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर को फिट कर दिया है,
अब उसके बाद हम इस गाड़ी को स्टार्ट करके उसके आरपीएम पे आपको चेक कराते हैं कि आरपीएम ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे। तो दोस्तों यहाँ पर चाबी हमने ऑन कर ली है, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है और काफ़ी बढ़िया सेटिंग आई है कार्बोरेटर की, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर। अब इस कस्टमर को कार्बोरेटर चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।